कबाब एक मुगलई पकवान है जिसे खाते ही आप लेते हैं चटकारे। हजार साल पुराना है इस कबाब का इतिहास। कबाब एक भारतीय व्यंजन है जो भारत का कभी था ही नहीं, किसी दूर देश से यह भारत आया और हमारे जहन में बस गया। कहा जाता है तुर्की किचन में बनने वाला कबाब एक दिन अफगानों द्वारा भारत आ पहुंचा, और बस फिर क्या था, हम भारतीयों को ये इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगा कि हम इसे दिल दे बैठे और कबाब के साथ तरह तरह के प्रयोग करने लगे। अब लखनऊ शहर के कबाब तो सभी को पता होगा कि टुंडे कबाब कितने फेमस हैं, और इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। दरअसल एक रोज कबाबची हाजी मुराद अली पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गए थे। उन्हें काफी चोट लगी थी और इस चोट में वो अपना हाथ खो दिया था। असल में टुंडे उसे कहा जाता है जिसका हाथ ना हो, तो बस वहाँ पे जो भी लोग कबाब खाने आते उन्हें टुंडे के कबाब बुलाने लगते। तो बस उसी तरह से टुंडे कबाब का नाम लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो था इसका इतिहास। अब चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी चने की दाल ली है और एक कटोरी ही मसूर की दाल ली है जिसे 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, और एक बोल न्यूट्रेला लिया है जिसे भी आधे घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। 4 हरी मिर्च ली है और अदरक और लहसुन ले लिए हैं। कटोरी धनिया पत्ती ली है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, और एक प्याज लिया है जिसे रफली चॉप कर लिया है। 1 टमाटर लिए हैं, इसे भी रफली चॉप कर लिए हैं, और 7 से 8 कलियां लहसुन की ले ली हैं, और इसके लिए हमने 4 मिर्चियों का यूज़ किया है। अब हम सबसे पहले कबाब बनाएंगे, तो इसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें सोख की हुई दाल डाल देंगे। सबसे पहले मसूर की दाल डालेंगे और चने की दाल इसी के साथ इसमें डाल देंगे। तो दोनों का जो रेशियो है वो फुल रेशियो लिया है मैंने। 1 कटोरी भर के चने की दाल और 1 कटोरी भर के मसूर की दाल ली है। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन से बंद कर देंगे और धीमे आंच पर 4 से 5 विसल आने तक कुक कर लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और जो हमने न्यूट्रेला को सोक किया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे और इसका एक दरदरा पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पीस लिया है बिना पानी का यूज़ किए, और जो दाल है वो देखिए पक चुकी है। मैं इसे देख लेती हूँ। देखिए हमने इसमें पानी 1 कटोरी डाला जिसकी वजह दाल है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है और दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आपको भी इसी तरीके से इसे रखना है। अब हम कबाब का मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें कोई भी ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद इसमें हम 2 जावित्री के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 2 दालचीनी, 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च डाल देनी है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच ही धनिया, जो साबुत धनिया है ना वो हमने इसमें डाल दी है, 1 तेज पत्ता लिया है जिसे मैंने तोड़ लिया है। इन सभी को डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसे भून लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे और जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और इनसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो बस इसे हमें प्लेट में निकाल के ठंडा करके इसका ग्राइंडर में डाल के एक पाउडर बना के रेडी कर लेना है। अब हम कबाब को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बोल लिया है और जो दाल कुक हो चुकी थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए दाल बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसी तरीके से आपने भी बनाना है। तो बस अब इसमें जो न्यूट्रेला है हमने ग्राइंड किया था ना वो इसमें हम डाल देंगे, और न्यूट्रेला डालने के बाद चॉप की हुई धनिया इसमें डाल देंगे। तो देखिए अब इसमें अदरक मिर्च और लहसुन को हमने क्रश कर लिया है, इसमें डाल देंगे, और जो पाउडर हमने बनाया था ना वो इसमें डाल देंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच पाउडर का ही मैंने यूज़ किया है, बाकी मैंने बचा लिया है, वो मैं फिर से कभी बनाऊंगी तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच में अमचूर डाला है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए आप चाहे स्पैचुला का यूज़ कर लीजिए या फिर अपने हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो जितने भी मसाले हैं ना वो इस दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए, तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे।
अब हमें ग्राइंडर लेंगे और इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम टमाटर जो हमने रफली चॉप किए थे ना वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद मिर्च को तोड़ लिया है और इसमें डाल देंगे, और लहसुन की कलियां ली हैं और इसे भी इसमें डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद इसे हम फाइनली पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पेस्ट बना के हमने रेडी कर लिया है। अब हमने 2 बड़े चम्मच जो कबाब मसाला है ना वो हमने एक बोल में निकाल लिया है और उसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है। और इसे डालने के बाद हम इसे एक पतला घोल बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रेड वाली चटनी होती है ना वो हम बनाने वाले हैं। तो एक पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल के साथ 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, और जब जीरा चटक जाएगा तो जो पेस्ट हमने प्याज और टमाटर का बनाया है ना वो प्याज और टमाटर का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक कर लीजिए, इसे ढक के तेल छोड़ने तक पका लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल कल जो कश्मीरी मिर्च होती है ना वो डाली है, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिला के इसे फिर से ढक के कुक होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट लगता है और जो मसाला है ना ये कुक हो जाता है। तो देखिए जो मसाला है वो इस तरीके से कुक हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद जो हमने कबाब का घोल रेडी किया था ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो कबाब के साथ हम ग्रेवी खाते हैं ना वो इसी तरीके से बनाई जाती है, जो कि बहुत आसान है। तो आप जब भी कबाब बनाएं ना इस ग्रेवी को जरूर बनाएं। तो देखिए ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, और जो कबाब की साथ खाने वाली जो ग्रेवी है ना वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम कबाब बनाने के लिए आटा लगा लेंगे। इसके लिए 2 कप मैदा लिया है, 1/4 चम्मच नमक डाल के इसे दही के साथ गूंथ लेंगे। तो अगर दही, अब मैंने 1 कटोरी लिया है, अगर दही कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मसल के रेडी कर लें। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका आटा रेडी कर लिया है। अब हम कबाब लेंगे और इसे बनाएंगे। तो इसे गोल गोल पहले बना लीजिए और इसे टिक्की का शेप दे दीजिए, इस तरीके से जैसे बाजार में बनता है ना एग्जैक्टली वैसा ही हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। और टिक्की का शेप देने के बाद इसे हम अलग रख लेंगे, और एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब पैन गरम हो जाएगा तो जो हमने कबाब के टिक्के बना के रखे हैं ना इन सभी को इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हम अलट पलट के सेक लेंगे। इसे सेकने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, और अच्छी तरीके से ये सेक जाते हैं। पता है जो ये कबाब है ना ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि अगर आप इसे सेकेंगे तो इसे टूटने के चांसेस लगते हैं, जैसे लगता है कि अभी टूट जाएगा, ये इतना सॉफ्ट होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसमें आप 2 चम्मच का यूज कर सकते हैं इसे पलट के सेकने के लिए। तो एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सेक जाए। देखिए इस तरीके से हमें इसे पलट के सेक लेना है। और मैंने कहा ना इतने सॉफ्ट हुए, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये टूट गए हैं, पर नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्ट हुए हैं, यही पक चुके हैं अच्छी तरीके से। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, चटनी बन चुकी है। अब हम चलिए पराठे बना लेते हैं। तो पराठे बनाने के लिए गोलियों को तोड़ लें और इसे पेड़े का शेप दे दें। सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करें, रोटी की तरह बिल्कुल पतला बेल लें। जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उतना पतला इसे बेल लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए हमने पैन रखा है, पैन पे ऑयल ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस करने के बाद हम इसमें कबाब का पराठा डाल देंगे, और डालने के बाद इसे पलट के सेक लेंगे। आप चाहें ना तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने वैसे यहाँ पे विदाउट ऑयल बनाया है। तो मैं कपड़े से प्रेस करते हुए इस तरीके से इसे हम सेक लेंगे पलट के। ये बिना तेल का भी ना काफ़ी अच्छा बन जाता है, पर आप चाहें तो इसमें ऊपर से ऑयल ग्रीस कर सकते हैं।
देखिए बन चुका है। इस तरीके से हम और पराठों को भी सेक लेंगे। चलिए हमने जो कबाब के पराठे हैं वो बन चुके हैं, अब हमें सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में कबाब, हरी चटनी और इसकी ग्रेवी विद कबाब, प्याज, नींबू, मिर्च के साथ हमने सजा लिया है और ये कबाब की थाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। घर में बनाना ये बहुत आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।